इधर देखिए बत्तख, गाय, आपको यहाँ सारा कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं ये एक गांव जैसा ही है। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, अभी मैं छत पर हूँ, और छत इसलिए आई, देख लीजिए, कपड़े सुखाने के लिए आई थी। और अभी मैं जा रही हूँ मिष्टी के स्कूल, और हम लोग का जो है लंच वगैरह सारा कुछ हो चुका है, लंच नहीं सॉरी ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता हो चुका है सबका। तो अभी मैं तैयार होकर मिष्टी को लेकर जा रही हूँ स्कूल, क्योंकि उसका नाम एडमिशन करवाना है। फाइनली जो है 2 साल बाद स्कूल खुल चुका है, और धीरे धीरे सबका स्कूल खुल रहा है। तो चलिए चलते हैं, बने रहिए ब्लॉग पर, आप सबको भी देखने को मिलेगा। तो और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो इधर देख सकते हैं मिष्टी जा रही है आगे आगे, और हमें पीछे पीछे। तो चलिए, ये है हमारा रास्ता, हम लोगों का दो तरफ से रास्ता है, तो हम लोग इस तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि इस तरफ का रास्ता बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा रहता है, इसीलिए। ये है हमारा तालाब, जो कि आप लोगों को और एक दो ब्लॉग पर देखने को मिल ही गया होगा। और हम और मिष्टी ही स्कूल जाते हैं, मिष्टी को पहुंचाने भी लाने भी, क्योंकि उसके पापा तो एकदम 5 बजे निकल जाते हैं और आते हैं एकदम रात को, शाम को। तो मुझे ये जो है घर का बाहर का सारा काम करना पड़ता है। तो चलिए अब देखते हैं मिष्टी का स्कूल में एडमिशन होगा या नहीं। उसी स्कूल में जा रहे हैं जहाँ पर मिष्टी पढ़ती थी पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए ब्लॉग पर। इधर देखिए बत्तख, गाय, आपको यहाँ सारा कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं ये एक गांव जैसा ही है, इसीलिए। और इधर देख सकते हैं ये बच्चा लोग जो है मछली पकड़ रहा है। मिला रे, मछली मिला। हमारा रोड, मेन रोड, यहीं से होकर मिष्टी जाती है स्कूल, इधर से ही। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं जाते जाते जो है हस्बैंड जी का ऑटो मिल गया। तो चलिए अब हम लोग को वो स्कूल छोड़ दे रहे हैं, तो अच्छा ही हुआ हम लोग को उतना पैदल जाना नहीं पड़ा। हम लोग जो है स्कूल से आ चुके हैं, और फाइनली जो है जयश्री का स्कूल में एडमिशन हो चुका है। जिस स्कूल में वो पढ़ती थी उसी स्कूल में उसका एडमिशन हो गया। अब वो कल से नहीं, परसों से स्कूल जाएगी, क्योंकि आज से लेकर कल तक पूरी तैयारी करके रखना है। और उसके पापा गए हैं झरिया ऑटो लेकर, तो वहीं से इसका नया बैग, उसके बाद बहुत सारा कॉपी वगैरह लाना पड़ेगा, तब ये स्कूल जा पाएगी, क्योंकि बैग जो है इसका फट गया है और 2-3 साल तक नहीं गई है स्कूल, तो बहुत ही गंदा हो चुका है। तो वो बोल रही कि नहीं ले जाएंगे, तो नया बैग लाएगा, उसके बाद कॉपी, तो वो भी आप सबको दिखाएंगे अभी इसके पापा आ जाए उसके बाद। तो जयश्री जो है बहुत ही खुश है, क्योंकि अब वो फिर से स्कूल जाना स्टार्ट कर रही है। तो आज ही बहुत खुश थी जब मैं एडमिशन कराने जा रही थी। क्यों खुश है ना तुम? फिर से सारे फ्रेंड्स से मिलेंगे, अच्छा लगेगा, खेलते हैं हम लोग स्कूल में, और सारा कुछ जो है न्यू लेकर जाएगी। लेकिन स्कूल ड्रेस वगैरह वही पुराना वाला ही अभी पहन कर जाएगी, क्योंकि इस साल तो समझिए पार हो ही चुका है, बस 4-5 महीना बाद ही फिर ये 6 में उठेगी। अभी ये 5 में है, तो 6 में उठेगी, तो फिर नया वाला ड्रेस दिलाएंगे, स्कूल ड्रेस, उसके बाद जूता, क्योंकि जूता भी इसका थोड़ा फट गया है, तो अभी उसी पर काम चलाना होगा, क्योंकि अभी उतना बजट नहीं है। फिर भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, एडमिशन करवाए, न्यू डायरी, उसके बाद एग्ज़ाम फी, क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद इसका हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बोले कि चलो अभी स्कूल जाओ, उसके बाद देखते हैं, फिर धीरे धीरे नया जूता वगैरह सारा कुछ खरीद देंगे। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग पर। अभी बज रहे हैं 4:30, क्योंकि
मैं आने के वक्त जो है ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि ऑटो से आई, हस्बैंड जी घर तक छोड़ दिए। और आप सबको तो बताइए ही कि हस्बैंड जी मिल गए रास्ते पर, तो हम लोग को स्कूल पहुंचा दिए, तो उतना लेट नहीं हुआ, हम लोग जल्दी घर आ गए और वो घर तक फिर छोड़ दिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग पे बने रहिए। फ्रेंड्स इधर देखिए, जय श्री का मतलब मिस्टी का जूता हमने धोकर रखा है, और इधर है ड्रेस। और अभी बज रहे हैं रात के 9:30, तो अभी अभी मैंने इन सबको धोया है और अभी हम देंगे इन सबको सूखने। और चलिए दिखाते हैं मिस्टी का नया बैग। और इधर बाबू जगा हुआ है, मिस्टी सो गई है, तो चलिए दिखाते हैं। नहीं आए दीदी बैग तो चो ओए लाइट निये चटाएंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा मिस्टी का न्यू बैग, जो कि अभी अभी उसके पापा लाए, मतलब शाम को ही आ गए थे। और ये है उसकी न्यू डायरी जो कि स्कूल से मिला। और ये सब उसकी कॉपियाँ और भी है। दिखाएं दिल तो देखिए बैग कैसा है, बैग कैसा है। खुले नहीं देखा, खुले की देखा वही ले। अपन किचु लिखे नहीं, देखी नाम लिख लो दीदी, कोई अपन नाम लिखे ही नहीं, ना लिखे। ये देखिए अभी मम्मी कपी भर रहा है बैग में। और इधर चूल्हा। तो फ्रेंड्स देख लिया आपने मिस्टी का नया बैग, नया कॉपियां जो कि उसके पापा अभी ला दिए, और जूता सब मैंने धोकर अच्छे से रखा है सूखने के लिए। तो चलिए आज की इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय। तो चलिए बाय, मिलते हैं कल। गुड नाइट।